What is up, guys? Good morning. It's a Sunday and we are headed for a trail ride to the summer sprint. It's been almost 2 weeks since I took out the Tiger. The last ride that I did was my trip to Lendore and the Mal Devta off-road trail that we did near Dehradun. So after that, 15 days have passed. Was very busy with work, so didn't get time to ride the Tiger. The bike is a little dusty right now. It was there in the basement, so it has that layer of dust on it. I'll be meeting Yudhvir at the starting point of the trail, and from there we'll start our off-road summer sprint trail ride today. Oh, this feeling, guys. It is right now 7:02 in the morning and I have to reach by 8. Rear tire pressure is low. This thing often vanishes away when you start moving the motorcycle. All set. Let's go, guys. So we are at the start of the Noida Greater Noida Expressway now. It's time to just cruise for some time. What's up, bro? How are you, man? मुंडी निकाल के हवा के पूरे मजे ले रहा है ये बंदा. So after the initial rush, I've settled down on a cruise at 94 kmph on the sixth gear. Trying to take it easy because we are well ahead of time. I have to reach by 8, so should be there easily. Expressway ends and these normal roads start. Oh, संवाददाता वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं AQI के बारे में. गंदा पोल्यूशन हुआ बड़ा. Mild twisties. The quick shifter on this thing is just so smooth. Up and down on the gears. I think you can hear that. The जा रही है बग्गी. बराते निकाल लो, बराते. ओह शिट, क्या ट्रैप चला है यार. और साथ में फिर आएगा चैनल 1 पेरिंग. एफएम ऑफ हो रहा है लॉन्ग प्रेस से. हो सकता है वो तुम्हारा बटन ही ना हो. नॉर्मल इंटरकॉम पेरिंग कर ले. नॉर्मल इंटरकॉम पेयरिंग करके खरीदने की जरूरत क्या थी? और मेरे को नहीं आता नॉर्मल इंटरकॉम पे. आप इसमें ऑन कहाँ से होता है? या बीच से? आप बीच वाले बटन को लॉन्ग प्रेस दबाओ, इंटरकॉम पेयरिंग आ जाएगा थोड़ी देर में. फिर टर्नो 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 वाला ऑप्शन आया इंटरकॉम पेयरिंग का. मैं जो तो कह रहा है, हेलो यूजी, हाउ कैन आई हेल्प? मुझे हेल्प नहीं चाहिए ना. तो पीछे वाला बटन और कोई बटन? और कौन से बटन है इसमें आपके? तो फिर मैश क्यों लगाया हुआ है इसके? यार एक मिनट वहाँ फिगर आउट करेंगे ना बैठ के, पहले अभी इंटरकॉम कर लो. इंटरकॉम नहीं आता ना मेरे को. मैं कोई एक सेकंड रुको, एक सेकंड. नहीं यार ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, दो बटन दबा दूं, ये बता दूं. नहीं मैं बताता हूँ, रुको.
क्या हो रहा? दो बूंदी आई पुम पुम बस। रुको एक मिनट, अभी रुको, होल्ड कर। हाँ, इंटरकॉम पेयरिंग। हाँ, रुको, अब रुको। हाँ, पुम 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 दो आ गए। फोन कनेक्टेड। हाँ, हेलो, तेरे में नहीं, मेरे में है। इंटरकॉम फेल्ड, ट्राई अगेन लेटर। ऐसा रुको जरा। हेलो हेलो। हाँ, आ गया। यस, अब हो तो गया बढ़िया। आप क्या दिक्कत है? इंटरकॉम पेयरिंग कौन करता है यार? यार क्या क्रिस्प आवाज आ रही है, फक यार, मजा आ गया सुनने का। दिस इज क्रेजी गुड। अब मैं गाने कैसे सुनूं यार? गाने कौन सुनता है ट्रेल करते हुए यार? मुझे हिंदी के गाने सुनने पुराने, वो भी यार। बीच वाले को प्रेस करो, जस्ट जस्ट वन टाइम। देखो, अब मुझे ये नहीं पता बीच वाला कौन है। हेलो। हाँ, ये देखो, ये फील कराता हूँ आपको बीच वाला। ये देखो, ये आपका इंटरकॉम है, ये उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ये। हाँ, हाँ, ये दिस इज द बीच वाला। अच्छा, जस्ट रिमेम्बर दिस बीच वाली उठाव। अच्छा ठीक है। ये क्या लगा लिया तुमने यार, ये गंदा सा एग्जॉस्ट, ये शोर करता है तुम। हाँ, आप चलो आगे। अरे बाइक चमका के लाए हो, क्या बात है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, बाइक चमका के कहाँ लाए, तो मेरी तो इतनी साफ रहती है, बल्कि अभी तो धोने का टाइम हो गया। ओह शिट, देखो मौसम तो परफेक्ट हो गया ना ट्रेल के लिए। किचड़ क्रॉसिंग। किचड़ तो नहीं है। किचड़ नहीं है, सॉलिड है। किड्स अहेड, किड्स अहेड। ओके, लुच्चे किड्स अहेड। अरे लुच्चे किड्स, ओके बाय बाय यार। किड्स डूइंग हेलो। हाँ, यारे किचड़ से फटती है मेरी बहुत। हाँ, किचड़ से ऐसे बात बात मत करो, जैसे किचड़ देखे ना उसको देख के ना आगे देखना जो। और ये जो प्रो चलाने वाले बंदे होते हैं ना, हाँ, ये साले कहते हैं कीचड़ में कुछ नहीं करना, बस खींच दो बाइक सीधी विदाउट सोचे। एक बारी खींची थी मैंने, पता है पीछे से निकल गई। वही तो चक्कर है, वो इनकी एक्सेलरेशन शायद थोड़ी स्मूथ होती है, बट मोमेंटम और एक्सेलरेशन में फर्क हो जाता है कुछ हल्का सा ना। वो शायद पहले से ही तेज कर लेते हैं, हम अंदर जाके कीचड़ में तेज करने की कोशिश तो पीछे से बाइक गायब। वो मैं KTM वाले, वो इसमें गया था ना एकेडमी में, इधर थी अभी एक, उस दिन कीचड़ हुआ पड़ा था बारिश के बाद गंदा। हाँ, तो वो कहता है जहाँ जहाँ कीचड़ और स्लिपरी, बहुत ही गंदा, वो जो ओराज में ऑफ रोड एडवेंचर जोन में। हाँ, वो जो कर्व उधर बने हुए उसमें गंदा कीचड़ भाई, बाइक नाच रही है लिटरली। वो कह रहा है कुछ नहीं करना, बस खड़े हो जाओ। हाँ, और स्मूथ मोमेंटम के साथ निकाल दो। भाई क्या निकाल रहा था वो बंदा, और हमारी बाइक नाच रही है राइट लेफ्ट गोल गोल सर्कल मार रही है लोगों की बाइक। देखो भाई, जिसकी चल रही होती है ना वो तो जो फंडे देगा वो चल जाएंगे। हाँ, अब जिसकी चल ही नहीं रही वो थोड़ी बेचारा क्या फंडे देगा। बाय बाय गाइस। ओए ओए ओए, आराम से भाइयों। व्हाट अ एनवायरनमेंट आर यू देयर? या या। अच्छा, वो एकदम से बीच में साइलेंस हो जाता है यार, विदाउट डिस्टरबेंस, क्या बात है। हां एकदम। बड़ी बाइक पे करने का ना मेरे को तो अलग मजा आता है, छोटी पे अलग होता है, बड़ी पे अलग है। बड़ी पे सारे सस्पेंशन जो हम इतने पैसे देके खरीदा है उसका मजा आता है। हां मतलब वो जीप जीप टाइप की फीलिंग आती है ना, जीप टाइप की। यस यस यस, नॉट एन आर स्पीड में नहीं हो लेकिन आपका बढ़िया चल रहा है मामला, बैठे हुए आप। नॉट लाइक एन ऑल्टो K10। हां ये पेल दो साली को। हां दिल्ली टाइप की फीलिंग नहीं आती है, एकदम टाइट टाइप का ना ऐसे। हां मैं तो लास्ट आया था वो डुकाटी पे। डुकाटी पे वो जो डेजर्ट एक्स रैली। ओ अच्छा, ओपन डुकाटी वो तो बहुत ऊंची है सर। यार आप मानोगे नहीं, उस पर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था ना चलाने में, मैंने पूरी ट्रेल पे एक बार भी पैर नहीं रखा नीचे यार। वो तुम्हारे लिए एप्ट है ना? नहीं एप्ट नहीं है, मेरे भी पैर नहीं जा रहे थे, 900 सीट हाइट थी, मजाक थोड़ी ना। और दूसरी बात, उस दिन ट्रेल एकदम स्लिपरी थी भाई साहब, बारिश के बाद छप्पड़ बने पड़े थे ट्रेल पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ गंदे वाले छप्पड़।
जिस दिन वो अभिनव गिरा था एक बार डुकाटी मैंने उसे एक मिनट के लिए दी थी चलाने के लिए और वो अगले पाँच सेकंड में गिर गया। पता नहीं क्या किया सारे ने, देते ही गिर गया था ना तो वहीं। हाँ देते ही, और कहता है यार आई एम यूज्ड टू नॉबी टायर्स। On camera that I need to get used to these tires because they don't offer the same grip. Don't bullshit. मैंने कहा जो नॉर्मल इसमें वो लगे हुए हैं पिरेली एसटीआर इतने बढ़िया लगे हुए हैं उसमें भी तेरे को दिक्कत हो रही है। ओहो ये वाला सेक्शन भी ना इसका घुसते ही थोड़ा सा हार्श है। हाँ हाँ हार्श खींचना पड़ता है थोड़ा सा ना इधर मोमेंटम। ओए होए आजा 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 चाचे। वाह एकदम से मोटे मोटे आ जाते हैं इसमें। हाँ हाँ बहुत ही मोटे मोटे मतलब सामने ही आ जाते हैं कई। हाँ लाइन थोड़ी सी मैं तो आया ही इसलिए हूँ राइड वे के थोड़े देर खड़े होकर चला पाऊँ। रोड पे कब तक खड़े होकर चलाऊँ? नहीं रोड पे तो वैसे भी भद्दा भी लगता है ना मतलब भद्दा हो गया। हाँ तो बहुत ऐसा लगता है चीफस्टर से छपरी जा रहे हैं। यहाँ पे एटलीस्ट चला सकते हैं खड़े होकर मजा आता है। Where are you in? Second. Yes. Rolling, second, rolling. Rolling, yes. Second पे सारी है ना वो traction भी मिल जाता है engine braking वाला। मतलब जितना चलाना चाहो उतना चला लो। हाँ। There was a big lump of gobar. मैं चाहिए तो मैं उसको अंदर से निकाल के तुम्हारे ऊपर उड़ा। और दिन से ना करो तो ज़्यादा ही रो। लाइन थोड़ी सी आप गए भी तो बिल्कुल उसमें ऐसे हो ना बिल्कुल धड़ाधूम धीस धीस में से। बहुत दिन से ना करो तो मेरे तो लोअर बैक में भी दर्द होना शुरू हो गया खड़े होकर साला। सांड अहेड क्या चीज लोनली लोनली नहीं उसकी पार्टनर आ गई वो तो पॉली गेम ही निकली लेकिन ये तो बहुत सारे हैं ये बहुत सारे हैं। ओह नाइस एकदम थ्रॉटल दिया पीछे वाला टायर राइट लेफ्ट। हाँ नहीं मैं तो थर्ड पे जा चुका। हाँ मैं भी थर्ड पे हूँ एक्चुअली पता भी नहीं लगा। अब यहाँ पे आगे हुप्स आते हैं ना लेकिन हाँ वो आते हैं ना तुम अंदर बाहर वाले। हाँ पता नहीं कहाँ आते हैं। नाइस ओह माय गॉड व्हाट वाज दैट ओह माय गॉड नहीं अंदर ज्यादा जो हुक्स आ गए हैं देख लेना जरा।
ये तो नील गाय टाइप है भाई। हाँ। ये तो अगर निकल जाती आर पार हो जाती है हमारे। हाँ ये घुस जाता है। तो बहुत मोटी मोटी टहनी आ गई यार बीच में। हाँ वो थोड़ी मैन्यूवर करनी पड़ेगी, लेकिन तुम तो घुस गए, खजर पजर की आवाज़ आ रही है। मैं वो आगे उसके आगे गड्ढे में से निकल रहा हूँ। ये बाबा लैंड का रास्ता आ गया ना। हाँ क्रॉस कर लिया हमने। यहाँ पे ना इतनी सारी अलग अलग टाइप की लाइंस आ जाती है ना कि हाँ मतलब हर बारी अलग ही होता है ये। हाँ कॉलिंग रोमियो कॉलिंग या ये तो फिर भी ठीक है, आगे दूसरी आती है। जो बाइक ने विली मार दी बैच वो जो मोटा वाला गड्ढा आया था ना मैं उसमें से निकाला एक्सेलरेट करके, बाइक आगे वाला टायर हवा में अरे गड्ढे पे गड्ढा, ओए यार सिली सिली रनर आ गया। रनर इज द लोन रनर, ये है ट्रेल रनर एक्चुअल। हट जा बछड़े। अरे बहुत सारे। तुम ये हॉर्न क्यों बजाते हो? मैं वो एनिमल को दूर करने के लिए। नहीं नहीं ये यूपी वाली आदत पड़ गई है तुम्हें। यूपी वाली? हाँ। अच्छा मतलब जरूरत क्या है? उसको दिख रहा है आवाज आ रही है, उसके कान है, सब कुछ है, तुम बहुत तेज भी नहीं आ रहे हो। हाँ। कोई उल्टा सीधा हरकत भी नहीं है, तुम डिस्टर्बेंस फैला रहे हो अन्य से। हो सकता है वो चिढ़ जाए और सींग घुसेर दे तुम्हारी पुंड। सेक्शन अहेड। यस उसमें बकरी की मिंद्रियां मिल गई है। हाय 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 अचानक से स्मूथ सेक्शन में फटाफट फटाफट की गोलियां पड़ी हुई है। ओहो डीप रूट, डीप रट्स आ गए यार। ये क्या है? और कुछ रनर्स। ओए 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 कलरफुल रनर्स अभी वही आ गए ना, हुआवे लावा एम्प्लॉइज। पीछे चाइनीज आंटी। हाँ मुशी 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 लट गड्ढे में रेत हेड रेत हेड। अरे यार मैं गाड़ी में पैन दी तोड़ी है। ओह शिट। हाँ यार रेत में घुसने वाला था। ओए ओए हाँ डीप थोड़े से डीप गड्ढा है। हाँ मजेदार थे गड्ढे। अल्फा टू डेल्टा सिग्नल लॉस्ट। अल्फा टू डेल्टा वेयर द फक इज़ अल्फा? यस टाइगर यस। या 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 झाड़ी मुंह पे पड़ती हुई पट पट पे। अच्छा आ चुके तुम झाड़ी। हाँ सीधे। ओए होए 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 सेक्शन हेड मोमेंटम ले लेना। ओके आई हैव रीच्ड द टर्न।
Right turn approaching. Right turn approaching. Okay. पहले वाला आगे वाला? मैं बीच वाला ले लिया क्या? हाँ बीच वाला ही ठीक है बस. अच्छा अच्छा. हाँ देख लिया मैंने. आ जाओ. ओके. झाड़ियाँ पड़ रही हैं छाती पे बहन. क्या हो रहा है? नीचे हो जाओ, छुप जाओ विंड स्क्रीन के पीछे. फक यार, हल्का हल्का सा थ्रॉटल और बाहर टायर बैठ के ऊपर से और जा रहा है साला टायर बाहर. स्लो डाउन स्लो डाउन. अरे यार बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनाने आए हैं. वी आर क्रॉसिंग देम. वन मिनट. हट जाओ आंटी. अरे यार औरतें वॉक कर रही है, सोसाइटी बनाई हुई है यार इन्होंने. नहीं नहीं तो तुम बहन जो चलने की जगह है ना, तुम है ऐसी जगह मोटरसाइकिल लेके घुसे हो. यू आर इंट्रूडिंग. इट इज अ वॉकिंग प्लेस. क्या बात कर रहे हो? हां तुम्हें हॉर्न बिल्कुल बहन जो अगली बार बजाया ना, मैं तुम्हारे हॉर्न की ना सारे काट दूंगा साले. अरे पीछे जाओगे पता चलेगा. टू मोटरसाइकिल्स अप्रोचिंग. स्प्लेंडर्स नहीं, रॉयल एनफील्ड्स. ओहो हो. Splendor approaching. With triples. Speed triple. Splendor triples. Great. Rates. अच्छा वो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके जाएंगे. अच्छा इतना वॉक करा है आंटियों ने. पार्किंग स्पॉट बना दिया. आप बताओ, कह रहे हो वॉक करने की जगह है, कुत्तों वो है गाड़ियां लेके आए हुए हैं. यार ये तो वर्कआउट है यार बाइक चलाना लिटरली. प्लांट काट दिया, स्कूल बन रहा है. बीच में ऐसा लग रहा है वो असेंबली वाला स्टेज है. प्लाट ही प्लाट. आप आगे से लेफ्ट ले लिया आपने? हाँ लेफ्ट ले लिया. अच्छा वो स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्टोरेंट में नहीं जाना? पहले तो हम पीछे जाएंगे ना. पहले पीछे जाएंगे. चलो गंदे रेस्टोरेंट में जाके करेंगे क्या? व्हाई इज ही ब्लॉक्ड द वे लाइक दिस? दोनों ने टक्कर मार ली आपस में. लास्ट टाइम हम आए थे लेक में पानी भरा पड़ा था. वी कुड क्रॉस. हाँ अभी भी वही हाल है. ये तो पानी ही पानी भरा पड़ा है भाई साहब. ये पानी क्या कहाँ से आया नया भाखड़ा नंगल डैम का? भरा होगा किसी ने. ओहो हो हो, ये तो गलत है सीन. ये तो काई ही काई हुआ भाई. हाँ गंद हुआ. मतलब हमारा स्पॉट है ही नहीं. हमारा स्पॉट हैज बीन टेकन अवे. तुम भी इसी में ही कर लेना, उधर को जाना जहाँ ऊंचाई है ना. जिधर ऊंचाई है उधर ले जाना ताकि वापस आ जाए. रुक जाओ मेरे को निकलने दो यहाँ. मेरे को जाने दो. मैं उधर जाऊँ? उधर जाऊँ? हाँ नहीं इसी वाले हमको यूज करना है. ये वाला हम इधर से एलिफेंट टर्न मार दे. वो आती होती तो बात ही क्या. ओए मार दिया पूरा. देखो तो सही क्या किया. हाँ देखा मैंने, यहाँ से दिख रहा था पेड़ के पीछे कीचड़ उछलता हुआ देखा. फर्स्ट टाइम इट वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर इट्स पर्पस. 100-110 डिग्री घूम गया था बाइक पूरा. मतलब 180 नहीं घूमी बट दैट वाज 110 इज मोर देन एनफ ना. हां मतलब उसके बाद तो फिर आप बाइक घूमी गई ना. मतलब 180 की जरूरत ही नहीं थी वहां पे. मतलब तुम्हारा फैंसी रेस्टोरेंट आ चुका है भैया. ओ यह
पर वो यार वो ताज वाला होटल कहाँ है यार, एक बार ये पूछते हैं। चलो ये वहाँ कॉफी पी सकता बंदा एक बार बढ़िया जगह पे। चलो अरे अरे ये तो मार दिया शॉट आपके ऊपर मारता, अरे वो रन आउट कर देगा मुझे। ओहो इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है, हम किधर हो? ताज वाला पूछो पहले यहाँ कहाँ है। तो ताज वालों ने ये बोल दिया ना कि आपकी बाइक है आप बाहर खड़ी करो, रैपिड मारने का दिल करेगा मेरा यार। ए ब्रो एंट्री कहाँ पे है? एंट्री हैं हाँ करा दो, ब्रेकफास्ट करना। गुड नेम रिजर्वेशन करके आना पड़ता है क्या? हाँ जसवीन चावला। हाँ सो नाउ वी आर गोइंग टू ताज आफ्टर स्पेंडिंग ईयर स्टैंडिंग बाय द सांडा लेक। Yeah. After 40 minutes of ride. Well earned break, Taj. उस साइड पे गाड़ी के आगे उस तरफ kindly guide us. हो गया जी यहाँ लगा दें। Oh, that's a very good parking, I must say. Beyond expectations. I thought they will ask us ke bahar hi laga bike pe. So how was it? I think a lot of hard work, 30 minutes, sweating, dehydrated. And jo 40 minute ki ride, 2 ghante lagte hain bike saaf karne mein, pata hai baat mein. Ungliyan chil jati hain is waqt. दोपहर को मुझे इवेंट पे भी जाना है। होता है कि ये पहनने के बाद ना ये चलने में थोड़ी परेशानी। तो ये चूं 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 ऐसे कोई मेरे को आवाज थोड़ी सी आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही, पर मेरे वाले तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसा लगता है मैं इसमें पूरा दिन रह सकता हूँ, लिटरली मैं रहा भी हुआ हूँ इन शूज में। दिस इज लाइक जैसे सड़क बनाने वाले सड़क बनाने तुमने खुद ही बोला इसमें तुम्हें कोई प्रोटेक्शन की फील नहीं आती। हाँ वो बस एक बार जब एक्चुअली रियलाइजेशन मोमेंट वो था जब वो जिस दिन हम लोग हिमालयन पे एलिफेंट टर्न मार रहे थे, हिमालयन मेरे पैर पे गिर गई। oh. तो आई फेल्ट लाइक कि मेरा पैर क्रश हो रहा है, तो अभिनव और वो श्रीनिवास वगैरह ने बाइक उठाई, आई वॉज लाइक बचाओ मेरे पैर दब रहा है। सो देन आई रियलाइज दिस इज यूजलेस। नहीं यूजलेस नहीं, प्रोटेक्शन तो है इसमें, इफ यू पुट अ कंडोम ऑन इट विल प्रोटेक्ट। तो ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे यार ये कुछ ज़्यादा ही शाही ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा आज। कॉफ़ी वॉफ़ी मिलेगी ना ऊपर? ओके मॉर्निंग मॉर्निंग लेट्स हैव अ कॉफी। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? विल वी डिजर्व दिस 40 मिनट्स? ऐसा लग रहा है कि हम राजस्थान राइड करने आए हैं। नहीं नो नो वी आर नॉट स्टेइंग, वी जस्ट केम फॉर अ ब्रेकफास्ट, जस्ट अ कॉफी एंड ऑल। कहाँ बैठे यार? अंदर से गर्मी सी लग रही है, हम बाहर गए। हाँ लेट्स टेक इन 500 AQ है ना, वी जस्ट फील नेचुरल। एंड यहाँ स्मोक भी कर सकते होंगे? आपको तो स्मोक भी करना होगा ना? चले जाएंगे जो जगह मिलेगी कहीं। ओके कोई है नीचे एरिया है? अब ऐसे फोटो वोटो डाल सकते हैं, वी हैव रीच देहरादून, वहाँ पे हम ताज रिजॉर्ट में रुके हैं। पेड़ वेड़ दिखाओ, ऐसा लग ही नहीं रहा दिल्ली में आए हुए। आ गया क्या? यस सर। अरे मेरे साथ क्यों जा रहे हैं? देखना जरा ये मेरे साथ क्यों जा रहा है, देखना। व्हाई? इट इज लॉक्ड ऑन टू यू। व्हाई? इन दिस सेंटर प्लीज। And so like coffee and some juices if you want try, sir. Yes, yes. Once we are done with this, then I would like to have a coffee, sure, so I'll let you know. Breakfast, sir. Thank you. Thank you. Sir, should I pour your water, sir? No, no, we are good here. Thank you, sir. We'll help ourselves. Thank you. This is a 3-egg omelette, na? Okay, take it. Cool. Hoskas में एक वो गुड़गांव में Roots Cafe भी है ना, मैंने सुना है वो भी अच्छा है काफी। गए हो आप? मेरे ऑफिस का एक बंदा गया था। He was praising it. तो ये roots वही वाला है जो मैं आपको कुल्लू में भी कह रहा हूँ जाने के लिए। ओह, तुमने भी यही नाम बोला था ना? जो मेरे घर के opposite है। यार तो रूहानी टाइप का ब्रेकफास्ट हो गया यार।
ये जो कैफे वैफे होते हैं इसमें पैसे होते हैं? किसमें? कैफे वैफे बनाने में? चलाने में? यार एक्चुअली क्या है, ये वाले काम है जिसमें आपको ना लगना पड़ेगा. आर यू इंटरेस्टेड इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स? आई पर्सनली एम नॉट, क्योंकि लगे तो हम अपनी नौकरी में भी हुए ना यार. ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें जो कर रहे हो या तो बहुत ज़्यादा आप उसके लिए पैशनेट हो, और इट कैन बी टेकन टू अ स्टेज वेर इट गेट्स ऑटोमेटेड, वेर यू जस्ट रेक इन द मनी आफ्टर इन्वेस्टिंग. ऐसा तो होता नहीं कभी? वो तो फिर बाकी उन चीज़ों में ही होता है ना, ये जो अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं. कैफे वैफे इज अ वेरी तगड़ा इंटेंसिव जॉब. ये लोग जो काम करते हैं कैफे में, स्टाफ भाग जाता है, छोड़ के चला जाता है, रिप्लेसमेंट ढूंढना, फिर उसकी एक्सपर्टीज जो डिश विश बनाने की, बहुत ही मजा, इन्वेंटरी मैनेज करना, डिमांड प्रिडिक्ट करना, वो तो हर जगह होती है खैर. बट नहीं, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि मतलब ये लोग कैसे काम चलाते हैं, मतलब डू दे मेक मनी? बीच में कभी कभी इधर आके करा जा सकता है, हर बार नहीं. जैसे महीने में कभी एक, हम इसे वैसे भी समर स्प्रिंट कितनी करते हैं, महीने क्या, दो तीन महीने में हमने आना होता है. हाँ, उसमें यहीं आ जाओ इंस्टेड ऑफ बाहर चबूतर खाने में खड़े होने से बेटर ही है. लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा जो कनेक्ट है ना राइड का, हाँ, मतलब खाने का, हाँ, वो राइड खत्म करने के बाद बनता है. अब ये बीच में खाने से ना, अब ना तो इधर के ना उधर के, कुछ अजीब तो नहीं हो गया, पेट भर गया है और ऐसा लग रहा है कि बस अब रिलैक्सेशन की फीलिंग आ जाए एकदम. मन नहीं कर रहा कि मैं वहां जाके पत्थरों में पत्थर पत्थर ऐसे कूदूं ऊपर नीचे. हां मुझे तो दूसरी, बट भूख भी तो लग रही थी यार हल्की सी. आपको भूख नहीं लग रही थी? आप घर से खा कर आए हो कुछ? हां मैं ओट्स खा के आया. अच्छा, मैंने तो कुछ नहीं आया, लाइक टोटली एम्प्टी स्टमक. नहीं, आई हैड जस्ट वन बनाना. हां, दैट वाज नॉट इनफ ना. हमारे हेलमेट्स आ रहे हैं. थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर हेलमेट्स. थैंक यू. नमस्ते. बाहर हम यहाँ से निकल गए? यस सर. हाँ, इतनी अच्छी पार्किंग मिल गई है आपको होटल में? हाँ, नॉर्मली मिलती नहीं है. नॉर्मली होटलों में बाहर कर दिया जाता है बाइक्स को. यू आर ऑल सेट? मी टू. यू वांट टू माउंट इन द रोलिंग माउंट फैशन? दैट्स व्हाट यू लुक लाइक डूइंग. दूसू आ रही है मुझे. अच्छा, यू आर एग्जर्टिंग एडिशनल प्रेशर टू.